देखें y जेड स्क्वायर और x जेड स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में से आप z स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा y माइनस x और इन दोनों टर्म्स में से आप z कॉमन ले लो तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का माइनस y स्क्वायर यहां से आप x y कॉमन ले लो तो y माइनस x अब z स्क्वायर माइनस कॉमन लेने से क्या बनेगा x माइनस y z इसको लिख सकते हैं x माइनस y इंटू x प्लस y क्लियर और इसमें से माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा x माइनस y ऑल द टर्म्स कंटेनिंग x माइनस y टेक x माइनस y कॉमन माइनस z स्क्वायर प्लस ये कॉमन चला गया इसको इंटू करना पड़ेगा z x z y माइनस x अब हमें चाहिए y माइनस z ऐसा कुछ करेंगे जिससे y माइनस z आए बोलो y माइनस z इन दोनों को लिख लो ठीक है इन दोनों से माइनस z अगर हम कॉमन लेंगे नहीं z अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा y यहां पे बचेगा z अच्छा और अगर हम x कॉमन लेंगे तो आएगा z माइनस y हम y माइनस z डालना चाहते हैं क्या करें माइनस x कॉमन ले लो तो यहां माइनस से दो तो y अब कोई माइनस दिया है तो z ठीक है दोनों से क्या कॉमन आ रहा है y माइनस z x माइनस y y माइनस z z माइनस